के अपवर्तन यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जब जो है ना तुमको पानी में रखा हुआ वस्तु या फिर किसी अन्य मतलब कि दो माध्यम में रखा हुआ वस्तु थोड़ा सा टेढ़ा दिखाई दे, अभिलंब की ओर जो थोड़ा सा टेढ़ा दिखाई दे, एक बाल्टी पानी तुम लोग पानी में जो है एक छोटा सा कोई भी चीज को रख दो या फिर एक ग्लास को रख दो, पानी के अंदर डुबो, ठीक है, और तुम ऊपर से जो है ना एक सिक्का गिराने का कोशिश करो, तुम जो है डायरेक्ट उस पर जो है कम से कम 5 बार तुम गिरा हुए सिक्का उस ग्लास में एक ही तल पर होता है। ये प्रकाश के पहला नियम है। ये प्रकाश के कौन सा नियम है? पहला नियम है, यानी कि यहाँ पे हम लोग देख पाएंगे बच्चा, ये देखो अच्छा लगता है पढ़ने में कैसे शुरुआत क्यों ऐसे? तो हम लोग अभी मैट्रिक में है, तो हम लोग का सिलेबस लॉकडाउन की वजह से कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, तो इसी कारण यहाँ से जो मतलब निकला हुआ जो पढ़ लिख कर हमारे बुजुर्ग मतलब जो बड़े भाई लोग हैं वही सब बोले कि सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाएगा, इसी कारण तुम लोग को हम चलो नाव पर ही पढ़ा देते हैं। अभी यहाँ बाढ़ की स्थिति काफ़ी मतलब बनी हुई है, इसी कारण हम लोग नाव पर भी सिलेबस की कंप्लीट। डर नहीं लगता है? डर तो नहीं लगता है, क्या कि हम लोग मतलब पानी से ही आन जान रहता है, तो डर इसी कारण हट गया है। पढ़ के क्या करना है? क्षेत्र के लिए कुछ आगे करना है? ऐसे तो हमको पढ़ लिख कर इंडियन आर्मी बनना है। क्या नाम है? अमीर लाल कुमार। नाव में पाठशाला है, क्या है कंसेप्ट? देखिए सर, हम यहाँ का जो क्षेत्र है मनिहारी जो क्षेत्र है, आप देख रहे हैं कि चारों ओर से डूबा हुआ है, और यहाँ पे नाव जो है हर घर घर में, तो इसलिए जो है हम लोगों ने ये सोचा कि मतलब अभी सीट व्यवस्था ना होने के कारण जो है कि नाव में ये जो है कोचिंग इंस्टीट्यूट जो है शुरू किया जाए, और इसलिए जो है ये जो है कि मतलब स्टार्ट हुआ है। तो ये कब तक चले, कितने महीने से? ये सब जब तक कि मतलब ये स्थिति रहेगी ये तब तक रहेगा, और ये बाढ़ की स्थिति आपका जब तक कि मतलब अक्टूबर रहे नवंबर रहे जब तक रहे ये तब तक रहेगा। स्कूल पाठशाला चल रहा है, क्या है? देखिए यहाँ का जो परिक्षेत्र है बाढ़ पीड़ित क्षेत्र है, और हम लोग जो है अपने संसाधन के हिसाब से जुगाड़ ढूंढते हैं, इसलिए हमने जो है नाव पर पाठशाला बनाया है, क्योंकि हम लोगों का जो है साल के आधा मतलब महीने यानी कि 6 मास हम लोगों के यहाँ पे पानी रहता है और 6 मास सूखा रहता है, ऐसे में हम लोगों का सिर्फ नाव से पुराना नाता है, इसलिए हमने जो है नाव पर ही शिक्षा का प्रारंभ किया है, और हम लोग जो है जब तक यहाँ पर पानी रहेगी तब तक हम लोग जो है नाव पर ही पाठशाला चलाएंगे, क्योंकि इसके अलावा हम लोगों के पास कोई विकल्प नहीं है, इसलिए हम लोग जो है नाव पर ही जो है पाठशाला चला। बच्चा को डर वगैरह नहीं लगता नाव पर? नहीं, यहाँ पे जो है सभी को जो है एक हैबिट सा हो गया, जब मैं फर्स्ट टाइम इधर आया था मैं बहुत ज़्यादा डरता था, लेकिन मुझे भी हैबिट सा हो गया है, आप मतलब देख सकते हैं चारों तरफ पानी ही पानी है, अभी तो हम लोग जो है आसानी से आ चुके हैं, और आज से अगर 2 दिन पहले की बात करें तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे बाढ़ की स्थिति थी, हम लोगों को जो है पैदल चल के आना पड़ता था और भींग के आना पड़ता था, अभी तो हम लोग सुलभ आए हुए हैं, और हम लोगों का प्रयास है कि नाव पर जो है ऐसे शिक्षा चलती रहेगी। क्या नाम है? मेरा नाम पंकज कुमार शाह है, और स्वयं साइंस स्टडी जो हमारा एजुकेशन सेंटर है, और